हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात नमस्ते भारत में कोरोना की कर लेते हैं। क्या वाकई दिल्ली में बाहरियों ने कोरोना फैलाया है? कोरोना दिल्ली के लिए बहुत बड़ी चुनौती फिर से बन गया है। लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। केजरीवाल सरकार राज्य में मिनी लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के एक बयान से कोरोना के बीच सियासी भूचाल आ चुका है। क्या दिल्ली में बाहरी लोगों से हुआ कोरोना विस्फोट? क्या दिल्ली में बाहरी लोगों की टेस्टिंग से बढ़े आंकड़े? दिल्ली में कोरोना वायरस और कोरोना से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली में रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे कोरोना मामले के लिए अब स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली से बाहर वालों पर ठीकरा फोड़ दिया है। उनके मुताबिक दिल्ली में करीब करीब 30% तक मरीज बाहर से आए हैं। लोग तो अपना एड्रेस बाहर का ही लिखवाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के रिश्तेदार का या जानकार का एड्रेस लिखवा देते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो दिल्ली में ही नाम लिखवाते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे रिलेटिव बड़ौत में रहते हैं, चलो बता देता हूँ, उनका टेस्ट नहीं होता वहाँ पे, उन्होंने दिल्ली का एड्रेस देके दिल्ली में टेस्ट कराए। देखिए, जो बाहर से आ रहे हैं ज्यादातर सीरियस पेशेंट आ रहे हैं और काफी बड़ी संख्या है उसकी। तो कोई डाटा अगर बताता है, लगभग 25-30% लोग हैं। दिल्ली सरकार के इस दावे को जरा यूं समझिए, दिल्ली में अब तक 4,95,598 मामले सामने आए हैं, और अगर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की माने तो करीब 1,48,679 मामले दिल्ली में बाहर से आए लोगों के हैं। यानी दिल्ली में कोरोना के ब्रेक फेल होने के पीछे दिल्ली सरकार बाहरी लोगों को वजह मानती है, लेकिन उनका ये बयान बीजेपी ने फौरन लपक लिया और इस्तीफा मांग लिया। देखिए, मुझे बड़ा हंसी आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में लगभग 6 साल पूरा करने के बाद आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि 49 दिन का अलग था। इतने अनुभव के बाद भी ये जो बच्चों वाली बहानेबाजियां कर रही है ना, वो हास्यास्पद भी है, दुखद भी है। यही समय सही है कि आप इस्तीफा दे दो, छोड़ दो, बोल दो कि नहीं नहीं, हमको जब दिल्ली में ना कोई आदमी नहीं रहेगा तब हम दिल्ली चला सकते हैं। लानत है ऐसी सोच पे। जब इनके एक पक्ष का, इन्हीं सरकार का एक पक्ष है कि थर्ड पीक का खत्म हो गया, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, और वहीं पे अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम इसको अब लॉकडाउन लगाने की सिफारिश कर, और सिफारिश कर चुके हैं। क्या कर रहे हो भैया तुम लोग? अमित शाह जी आए, सब कुछ मीटिंग लिए, सब एजेंसियों को सतर्क कर रहे हैं, तो जब सब कुछ अमित शाह जी को ही करना है तो प्रभु बैठे क्यों हो तुम लोग? आज आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली में, यानी जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा दिल्ली में विफलता की वजह तलाशने और उस पर सियासत करने में उलझ गई। ऐसे में सियासत से दूर असल मुद्दा समझना जरूरी है। इसके लिए हमने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से बात की। उनके मुताबिक दिल्ली में फिलहाल तीसरा कोरोना पीक खत्म हुआ है या नहीं, ये त्योहार के बाद ही पता चलेगा। यह अभी कहना मुश्किल है, अगले कुछ दिन में ये पता चलेगा कि अगर केसेस कंसिस्टेंटली कम रहे तो हम ये कह सकते हैं कि पीक गुजर गया, लेकिन इसको कहने के लिए हमें अगले हफ्ते 10 दिन में ये केसेस जो हैं कम होने चाहिए। यानी एम्स के डायरेक्टर के मुताबिक दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का ये दावा करना जल्दबाजी होगा कि दिल्ली से कोरोना का तीसरा पीक खत्म हो गया है। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल को सामने आकर मिनी लॉकडाउन की बातें करनी पड़ी। और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ये पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में कोरोना बढ़ने के लिए कोई बहाना तलाशा गया। पहले भी मरकज के लोगों को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया था, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारों की ओर से नाकामी छिपाने के लिए बलि का बकरा बताया था। इस बार मरकज की जगह ये ठीकरा बाहरी लोगों पर है। इसके ठीक उलट दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में दिल्ली को ही खतरे की तरह देखा जा रहा है। इसलिए गौतम नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग का ऐलान किया है।
जहाँ संक्रमण ज़्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है, उसको रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। यानी नोएडा बॉर्डर पर उन लोगों पर नजर होगी जिनका दिल्ली नोएडा के बीच आना जाना ज्यादा है। डिलीवरी बॉय, दुकानदार और रिक्शा चालकों पर खास नजर रहेगी। प्रशासन के अधिकारी किसी भी संदिग्ध का कोरोना सैंपल लेकर जांच करेंगे, इसके आधार पर कोरोना रोकथाम पर फैसला लिया जाएगा। साफ है कि दिल्ली NCR के लिए आने वाले दिन कोरोना के लिहाज से आसान नहीं है। जरा सी लापरवाही और ढिलाई बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि बढ़ती ठंड और त्यौहार के मौसम में आंकड़े बढ़ना तय माना जा रहा है। ऐसी हालत में जनता को सियासत नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है। तो दिल्ली में ही कोरोना के कहर की बात कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे से हड़कंप जारी है। खबर है कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन की वापसी हो सकती है। कोरोना की वजह से और भी बहुत कुछ बदल सकता है। देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। गृह मंत्रालय के कड़े रुख के बाद CM केजरीवाल ने LG और केंद्र सरकार से एक बार फिर दिल्ली में स्मार्ट लॉकडाउन की अपील की है। एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे अब दिवाली खत्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जरूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए, ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने LG साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। केजरीवाल ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि शादी में 200 की जगह 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति ही दी जाए। जिन बाजारों की जरूरत नहीं है उन्हें कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। साथ ही साथ 750 ICU बेड के इंतजाम के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद भी जताया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने लोगों से कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की बात कहते हुए सहयोग की अपील की। अब जरा केजरीवाल के इस प्रस्ताव को भी समझ लीजिए। दिल्ली में अक्टूबर के आखिर तक कोरोना कंट्रोल में था, लेकिन दिल्ली में 28 अक्टूबर से कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई, जब पहली बार दिल्ली में 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 11 नवंबर को 8,000 से ज्यादा मामले हो गए। 12 नवंबर को एक दिन में सबसे ज्यादा 104 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना का थर्ड फेज भी खत्म हो चुका है। पिछले एक हफ्ते के अंदर वो 15.33 से कम होके अब 13% से नीचे है, और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली 13 से नीचे है, तो इसका मतलब बढ़ तो नहीं रही है। आप देखिएगा धीरे धीरे डाउन ट्रेंड होगा। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं थर्ड वेव के अंदर, बट उसका पीक जो था थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब धीरे डाउन जाएगा। देखिएगा अभी दिल्ली के अंदर 16,500 के करीब बेड कोविड के लिए रिजर्व किए गए हैं, अभी भी 8,000 के आसपास बेड अवेलेबल हैं। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। कारण दो हैं उसके, एक तो दिल्ली से बाहर से जो आते हैं लोग, काफ़ी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो किसी ना किसी अस्पताल का नाम लेके आते हैं, एफ्लुएंट क्लास ज़्यादा आ रही है। दूसरा, दिल्ली के अंदर भी जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, ऑल आर इंश्योरेंस है सबके पास, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो काफ़ी सारे लोग प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ी दिक्कत है। बताया जा रहा है कि त्योहारों के दौरान लोगों ने जमकर लापरवाही बरती और इसी कारण दिल्ली में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी देखने को मिली। दूसरी तरफ व्यापारियों की संस्था ने केंद्र सरकार और LG से बाजार बंद करने के फैसले पर पहले व्यापारियों से सलाह मशवरा करने की मांग की है। तो जिस तरीके से दिल्ली में लगातार तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए केजरीवाल सरकार दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लाने की तैयारी कर रही है। तो एक उम्मीद कोरोना वैक्सीन को लेकर भी जगी है। भारत बायोटेक ने दावा किया है कि 2 बूंद से कोरोना खत्म हो जाएगा। नाक में 2 बूंद और कोरोना खत्म, पोलियो ड्रॉप की तरह होगी कोरोना वैक्सीन। ये चौंकाने वाला दावा किया है हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने। अब तक दुनिया भर में कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की जा रही है, उन्हें देने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करना होगा,
यानी भारत जैसे 1 अरब की जनसंख्या वाले देश में करीब 2 अरब से ज्यादा इंजेक्शन का इस्तेमाल करना होगा, जो कि महंगा होगा और ज्यादा वक्त लेने वाली प्रक्रिया होगी। इसीलिए अब भारत बायोटेक ऐसा फॉर्मूला ईजाद करने में लगा है जिससे नाक में 2 बूंद डालकर ही वैक्सीन दी जा सके। अगर ऐसा हुआ तो वैक्सीन देने की प्रक्रिया में खर्च और वक्त दोनों की बचत होगी। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल 3rd फेज में है। भारत बायोटेक अपना वैक्सीन कोवैक्सीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ पार्टनरशिप में तैयार कर रही है। फिलहाल फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का मानना है कि देश और दुनिया में किए जा रहे दावे वैक्सीन के बेहद करीब ले आए हैं, लेकिन 3rd स्टेज के नतीजे निर्णायक होंगे। चाहे वो इंडिया में बन रही हो या और देशों में बन रही हो, इसलिए ये जो रिजल्ट्स हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं कि हमारे पास एक इफेक्टिव वैक्सीन और या इफेक्टिव वैक्सीन्स आ जाएंगी। भारत में कब आएंगी इसके लिए तो डिपेंड करेगा कि हमारी अपनी वैक्सीन जो बन रही है वो भी फेज 3 उसका खत्म हो रहा है और जल्दी उसका भी रिजल्ट आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वो उसकी भी एफिकेसी कितनी है। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 5 वैक्सीन पर अलग अलग चरणों में ट्रायल चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन का 3रा ट्रायल पूरा हो चुका है, फॉलोअप लिए जा रहे हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल 3rd फेज में है। कैडिला की वैक्सीन का फेज 2 का ट्रायल पूरा हो चुका है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी में तैयार हो रही वैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल एक साथ किया जाएगा, जबकि बायोलॉजिकल ई अर्ली अभी अपने वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल शुरू करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि ये सभी ट्रायल ठीक और रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। सीरम वैक्सीन जो है वो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, जो हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है और बहुत तादाद में बना रही है। उसकी फेज 3 की एनरोलमेंट पूरी हो गई है और जो भारत में सब्जेक्ट हैं उनके रिजल्ट हमारे पास जनवरी में उपलब्ध होंगे। भारत वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। उम्मीद जताई जा रही है कि वैक्सीन अगले साल तक उपलब्ध होगी, लेकिन तब तक कोरोना से बचाव के नियम का पालन बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय में छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो प्रतिमा ने आपको कोरोना वैक्सीन पर अपडेट दी, लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग हैं देश भर में जो कोरोना को अब तक बहुत हल्के में ले रहे हैं। हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि कोरोना किसी व्यक्ति के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकता है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि कोरोना सिर्फ खांसी या बुखार या गले में दर्द तक सीमित नहीं है। कमजोरी लगती है, थोड़ा डिप्रेशन टाइप के फीचर्स हो सकते हैं, या एक क्रॉनिक फटीक सिंड्रोम है वो भी इसके साथ लिंक्ड है कि बहुत थकावट होती है, बॉडी एक्स हैं, जल्दी आप थक जाते हैं, काम नहीं कर पाते, या फिर कई लोगों को कई ऑर्गन डैमेज हो जाता है। जैसे हमारे कई पेशेंट्स हैं जिनके फेफड़े खराब हो गए हैं, लंग फाइब्रोसिस हो गया है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन पे हैं और घर पे भी उनको ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ रही है या हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। 2-3 महीने हो गए हैं कोविड से रिकवर करके, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन से नहीं निकल पाए, या हार्ट कमजोर हो गया क्योंकि उनको हार्ट की असर हुई है, या ब्रेन में स्ट्रोक पड़ गया। तो इसलिए कोविड, एक तो हम इनिशियली कोविड से जूझ रहे थे कि लोगों की जान बचे और वो ठीक हो जाएं, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कोविड से जो कोविड के सीक्वले हैं वो भी कई लोगों में पाए जा रहे हैं। तो कोरोना के आगे जो दबंग बन रहे हैं ना, उनको ये समझ लेना चाहिए कि दबंग ही नहीं चलेगी, सावधानी ही जरूरी है।